कई राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण की बात कही है। इसी कड़ी में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कहा है कि उनकी सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएगी। विजयन ने साथ में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण राज्य पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों की मदद करते हुए मुफ्त में टीका देना चाहिए। अब दुनिया भर में रह रहे केरल के लोगों ने मुफ्त टीकाकरण को लेकर सरकार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल की रात 9 बजे तक CMDRF में 2.28 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 23 अप्रैल को 1.76 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और 22 अप्रैल को 50 लाख से अधिक रुपए जमा किए गए थे। कोविड वैक्सीन की एक डोज की कीमत 400 रुपए है। ऐसे में एक मोटा माटी अनुमान है कि केरल में 18 से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च आएगा। केरल में अब तक 56 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 9 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन चैलेंज ट्रेंड कर रहा है केरल। सोशल मीडिया पर वैक्सीन चैलेंज चला रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम विजयन सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि इस आपदा की घड़ी में हमें प्रदेश को सपोर्ट करना है। एक यूजर ने लिखा कि कुबेर सरकार मुझे फ्री में वैक्सीन देगी, ऐसे में मैं अपने पूरे परिवार के लिए CMDRF में योगदान दूंगा। मेरे योगदान देने से करीब 10 लोगों का फ्री में टीकाकरण संभव होगा। आप क्या सोचते हैं इस केरल के टीकाकरण अभियान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।